बरवा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ ने सोमवार को दिग्रस में 7,63,00,000 रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। पालक मंत्री संजय राठौड़ के विशेष प्रयासों से 7,63,00,000 रुपयों के विकास कामों को मंजूरी मिली है, जिसके तहत सोमवार 18 सितंबर को मोक्षधाम सेवा समिति व शिवसेना की अगुवाई में और पालक मंत्री संजय राठौड़ की प्रमुख उपस्थिति में उपरोक्त विकास कामों का शुभारंभ आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस मौके पर शिंदेगढ़ शिवसेना के शहर प्रमुख प्रणीत मोरे ने मृदा व जल संधारण मंत्री तथा यवतमाल वाशिम जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ को लोक नेता की उपाधि देते हुए उनके कार्यकाल में जारी विकास कार्यों की प्रशंसा की। हनुमतीने आपल्याला लोकनेता ही पदवी बहाल करू इच्छितो। खरंच लोकनेता म्हणजे काय? आमच्या या लोकनेत्याने कधी मताचं राजकारण केलं नाही, ते राजकारण केलं फक्त समाज सुधारणेचं, ते राजकारण केलं आरोग्याचं, ते राजकारण केलं शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगतीचं। म्हणून या आमच्या लोकनेत्याला आम्ही लोकनेता ही पदवी आज सर्व जनसामान्याच्या वतीने आज बहाल करू इच्छितो आहे। इसके बाद पालक मंत्री संजय राठौड़ ने अपने भाषण में खुद को लोक नेता नहीं बल्कि लोक सेवक करार देते हुए बताया कि वे दिग्रस के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगामी दिनों में दवाखानों, रास्ते, नगर पालिका के स्कूलों के विकास कामों को गति देने का वे प्रयास करेंगे। दिग्रस मध्ये पिण्याच्या पाण्याची योजना असेल, येणाऱ्या काळामध्ये दिग्रस मध्ये चांगला दवाखाना असला पाहिजे, त्याच्यासाठी निधी आम्ही मंजूर केलेला आहे, त्याला अपग्रेड केलेला आहे। ट्रामा केअर युनिट असलं पाहिजे, उपजिल्हा रुग्णालय असलं पाहिजे, खाटा वाढल्या पाहिजे, एक्स-रे मशीन असली पाहिजे, सोनोग्राफी मशीन असली पाहिजे आणि याच्यासोबत बाकीचे डॉक्टर आणि बाकीच्या सुविधा सुद्धा असल्या पाहिजे। म्हणून हा दवाखाना बाहेर नेण्याचा की आतमध्ये मग अनेक लोकप्रतिनिधी बोलायला लागले की बाहेर नेऊ नका, बाहेर नेलं तर लोकांना गैरसोयीचं होईल, अशा अनेक गोष्टी आहेत। मी सर्व गोष्टी काही सांगणार नाही, मलाही आठवती नाही। एवढं विकासाचे काम हे सर्व करण्याचा मी प्रयत्न करतोच आहे। अजून काही राहिले असतील, जे जे लोक येतात त्या लोकांनी मला कोणी सभागृह मागतात, कोणी रस्ते मागतात, कोणी नाल्या करून द्या असं म्हणतात, हे सर्व विकासाचं काम करण्याचा मी प्रयत्न करतो। मरहाल नगर परिषद क्षेत्र के मोक्षधाम की सुरक्षा दीवार सहित जुने बस स्टैंड परिसर में बनने जा रही नई सब्जी मार्केट के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर शहर के मान्यवरों सहित कार्यक्रम में दिग्रस शहर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।